जिंदगी की ना टूटे लड़ी। जानता हूं मैं मुजरिम हूं, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का। साल 1981 में सिनेमा घरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थीं, लेकिन उन सब में मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति ने बाजी मारी थी। भाई, दुश्मन भी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछ लेता है। इस फिल्म के जरिए दिलीप कुमार ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की थी। तो चलिए आज आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, जिससे आप सब हमेशा से अनजान थे। मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति एक ऐसी फिल्म थी जो साल 1981 में रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। यह फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी और आज भी यह फिल्म लोगों के बीच काफी मशहूर है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले थे। 80 के दशक में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज अभिनेताओं की इंडस्ट्री में एक अलग पहचान थी, और जब ये चारों सुपरस्टार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए थे तो सिनेमाघरों में लोग झूम उठे थे। 6 फरवरी 1981 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म क्रांति एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्माण और निर्देशन मनोज कुमार ने खुद किया था। इसकी कहानी और पटकथा सलीम जावेद द्वारा लिखी गई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हेमा मालिनी और परवीन बॉबी भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आई थीं। इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और देखते ही देखते ये फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में छा गई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बता दें, इस फिल्म के जरिए दिलीप कुमार की 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी हुई थी। यह उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। इतना ही नहीं, क्रांति भारत में अब तक देखी गई सबसे बड़ी देशभक्तिपूर्ण हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। अपनी रिलीज के समय यह शोले के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। बता दें, इस फिल्म ने देश भर के कई केंद्रों में स्वर्ण जयंती मनाई। यह सिनेमाघरों में लगातार 67 सप्ताह तक चली, जिसमें एक थिएटर में तो यह 96 दिनों तक हाउसफुल रही थी। बता दें, इस फिल्म के अगले साल 1981 में अमिताभ बच्चन की नसीब और लावारिस भी पीछे रह गई थी। यहां तक कि धर्मेंद्र की फिल्म कातिलों के कातिल पर भी क्रांति भारी पड़ गई थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।